बुकाड़ियों के टेबल पर वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाह और आज की चाय की प्याली के साथ आप सुन रहे हैं चाय पर इंतजार ज्योति झा की आवाज में। हर रोज की तरह आज भी रजनी ने एक कप चाय अपने लिए बनाया और एक कप चाय ढककर किचन में ही रख दिया। दोपहर के 11:30 बज रहे थे। रजनी ने अपनी चाय की कप ली और ड्राइंग रूम में आकर टीवी के सामने बैठ गई। उसने संगीत का चैनल लगाया। वो बार बार दरवाजे पर भी नजर टिकाए हुए थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय में घड़ी की सुइयों ने 12 बजाया, फिर 1 बजे। 1:30 बजे तक रजनी के सब्र का बांध टूट गया। उसने फोन मिलाया। दूसरी तरफ से कंप्यूटराइज आवाज आई, आप जिस ग्राहक को फोन कर रहे हैं उसका फोन स्विच ऑफ है। आप जिस ग्राहक को फोन कर रहे हैं उसका फोन स्विच ऑफ है। रजनी ने 10-15 मिनट के अंतराल में 2-3 बार और फोन लगाया। बार बार स्विच ऑफ की आवाज आती रही। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नैना ने बिना बताए छुट्टी की हो। नैना रजनी की काम वाली थी। रजनी रोज ही अपने लिए दोपहर में चाय बनाती थी और हमेशा नैना के लिए कप चाय बनाकर रख देती थी। कभी नैना पहले आ जाती तो रजनी उसके साथ बैठकर ही चाय पी लेती थी। बिना किसी दिन नागा किए रजनी रोज ही उसके लिए चाय बनाती थी, या ऐसा कहा जाए वह चाय पर हर रोज उसका इंतजार करती थी। पर आज रजनी का इंतजार लंबा हो गया। वह थोड़ा चिंतित भी थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने बिना बताए छुट्टी कर ली और अब फोन भी नहीं उठा रही। आखिर रजनी ने खुद ही घर का सारा काम निपटा लिया। दूसरे दिन भी उसने अपनी रोज की आदत जैसे ही फिर से एक कप चाय नैना के लिए ढककर रख दिया और उसे फोन मिलाने लगी। रजनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों अचानक ही नैना ने छुट्टी कर ली। उसके दिमाग में कई अलग अलग आशंकाओं ने घर कर लिया। वह सोचने लगी, कहीं नैना बीमार तो नहीं हो गई? उसके बच्चे तो ठीक है ना? नैना के पति ने फिर से उसके साथ मारपीट तो नहीं की? वह अक्सर बताती थी कि शराब पीने के बाद उसका पति अपने आपे से बाहर हो जाता था और दोनों में हाथापाई तक हो जाती थी। कई बार तो नैना ने पुलिस से शिकायत तक भी कर दी थी, पर उसका पति सुधरता ही नहीं। उस समय तो वह माफी मांग लेता है, पर कुछ दिनों बाद फिर से वही मारपीट शुरू कर देता है। यहां तक कि वह कमाता भी है तो सारे पैसे शराब में उड़ा देता है। नैना खुद ही अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। रजनी को आज भी याद है जब उसने पहली बार नैना को देखा था। रजनी की पुरानी काम वाली गर्मी की छुट्टियों में गांव चली गई थी। रजनी कोई दूसरी काम वाली ढूंढ रही थी, तभी उसे नैना पड़ोस वाले घर में काम करते हुए दिखी। नैना गेहूं रंग की थी। दूर से देखो तो कद 11-12 साल की लड़की से ज्यादा नहीं लगता था। शरीर हड्डी का ढांचा जिसमें थोड़ा बहुत मांस था, उन हड्डियों को ढकने के लिए। चेहरा देखो तो सिर्फ दांत ही नजर आता था, उस पर गाल पिचके हुए। नैना को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे कई दिनों से पर्याप्त भोजन नहीं मिला है। खैर, रजनी ने नैना से अपने घर में काम करने के लिए बात की और दूसरे दिन से नैना काम पर आने लगी। रजनी वैसे तो खुद कामों में व्यस्त रहती थी, परंतु कभी कभी नैना से बात हो जाया करती थी। नैना से बात करके रजनी को पता चला कि नैना की 5 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी अभी 1 साल की है और सबसे बड़ी वाली 12 वर्ष की है।
नैना ने तभी बातों बातों में बताया था कि नैना का पति अपनी कमाई घर पर नहीं देता, उल्टा उसकी कमाई के पैसे भी घर से चुरा लेता है। इस पर पांच पांच बेटियों के होने पर नैना को ताने भी मारता है कि तू एक बेटा नहीं दे सकी, तू ही बदकिस्मत है। रजनी ने जब यह सब सुना तो कहीं ना कहीं उसके लिए सहानुभूति होने लगी। नैना के लिए वे कभी कभी कुछ खाने पीने की चीजें तो कभी बच्चों के कपड़े उसे दे देती थी। यहाँ तक कि त्योहारों पर बच्चों के लिए मिठाई खरीदने के लिए पैसे नैना को पकड़ा देती थी। नैना की बड़ी बेटी जो 12 साल की है, माँ की सब बच्चों का ख्याल रखती है, उनके लिए खाना बनाती है। जब रजनी ने यह सुना तो उसने सोचा, कई बार परिस्थितियां किसी इंसान को कितना बदल देती हैं। और समय से पहले ही जिम्मेदारियों के बोझ से 12 साल की लड़की भी औरत बन गई है, वरना 12 साल के बच्चे तो हमारे आसपास वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल और कार्टून चैनल्स देखने में व्यस्त रहते हैं। वहीं उस 12 वर्षीय बच्ची को अपने परिवार की परिस्थिति के कारण चूल्हे चौके का काम करना पड़ रहा है, पूरे घर की जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। 2-3 दिन गुजर जाने पर रजनी की चिंता बढ़ने लगी। दिन एक एक कर बीत रहे थे, पूरा हफ्ता गुजर गया और नैना का कोई हालचाल नहीं मिला। उस दिन रविवार की सुबह थी, रजनी के बेटे और पति की छुट्टी थी, तो वह दोनों सुबह देर तक सो रहे थे। करीब 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। रजनी ने दरवाजा खोला, सामने नैना खड़ी थी। रजनी ने नैना को देखते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। क्या हुआ था तुझे? इतने दिनों से आ क्यों नहीं रही थी? सब ठीक तो है ना? फोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना, अगर कभी अचानक नहीं आना हो तो फोन कर दिया कर। घर में सब ठीक तो है ना? बच्चों की और तेरी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? रजनी ने कहते कहते उसे अंदर आने का इशारा किया। नैना चेहरे पर भाव शून्य मुद्रा के साथ चुपचाप अंदर आ गई। रजनी ने पूछा, अब कुछ बोलेगी भी? नैना ने सकुचाते हुए बोला, भाभी अब मैं काम नहीं करूंगी। रजनी ने आश्चर्य से पूछा, काम नहीं करोगी? क्यों, क्या हुआ? नैना ने आगे कहना शुरू किया, भाभी मुझे पेट में बच्चा है। डॉक्टर ने 3-4 महीने आराम करने को कहा है। पेट में बच्चा कमजोर है, इसलिए बच्चे के सेहत लिए मेरा आराम करना जरूरी है। रजनी का मुंह तो जैसे खुला का खुला रह गया। उसे उसकी पहले से पैदा 5 बेटियां दिखने लगे। रजनी ने पूछा, तेरे पहले से ये 5 बेटियां हैं? उन्हें पालना इतना मुश्किल हो रहा है, तू ही तो उन्हें कमा कर खिला रही है, फिर तू बैठ जाएगी तो उन्हें कौन खिलाएगा? नैना ने इस पर जवाब दिया, मेरा मर्द बोल रहा है कि वह कमा लेगा, उसने बच्चा गिराने से मना किया है। वह कह रहा है हो सकता है इस बार लड़का हो जाए। नैना बोलती जा रही थी, भाभी शायद इस बार लड़का हो जाए तो मेरा मर्द सुधर जाएगा, शायद शराब भी पीना छोड़ दे और मेरे से मारपीट भी ना करे, सास ननद भी ताने नहीं देंगे, देख लेती हूँ इस बार भी भाभी। रजनी को यह सुनकर तो इतना गुस्सा आया, उसने कहा, तूने ही बताया था ना कि पिछली बार जब बेटी हुई थी तो तुझे खाने और पहनने को तेरे पति ने नहीं दिया था, तू मंदिर के बाहर जाकर बैठी थी और वहां किसी भली औरत ने तुझ पर तरस खाकर शॉल दिया था और खाना खिलाया था। क्या गारंटी है इस बार लड़का होगा? अगर लड़की हुई तो कैसे 6-6 लड़कियों को अकेले पालेगी? नैना चुपचाप बस सुनती जा रही थी। उसने रजनी के बोल लेने के बाद कहा, अब
अब जो भी हो भाभी, जो बच्चा आएगा वह अपनी किस्मत से खा भी लेगा। भाभी, जो ये एक हफ्ता काम किया था उसका हिसाब कर दो। मैं तो बस इसलिए आई हूँ कि दो तीन महीने बाद काम फिर से शुरू करूंगी। रजनी वैसे तो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर उसने अपने आप को शांत किया और बेडरूम की अलमारी से कुछ पैसे हिसाब के ऊपर से लाकर नैना को पकड़ा दिया और कहा, जब तूने सब सोच ही लिया है तो ठीक है, अपना ख्याल रखना। और हाँ, बैठ, तेरे लिए चाय बनाती हूँ। कितने दिन तक मैंने तेरा चाय पर इंतजार किया, आज तो बैठकर साथ में चाय पी लेते हैं। नैना ने मुस्कुरा दिया। रजनी किचन में चाय बनाते बनाते सोचने लगी, नैना का भी क्या दोष है, हमारे समाज में लोग अभी भी पुत्र मोह से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। नैना ने तो फिर भी कम पढ़े लिखे समाज के तबके से आती है। मेरी सहेली गीता, जो खुद इतनी पढ़ी लिखी है, उसका पति इंजीनियर है, फिर भी सिर्फ लड़के के लिए दूसरा बच्चा कर रहे हैं। गीता ने बताया था कि उसके पति और सास ने साफ साफ कह दिया था कि अगर दूसरा बच्चा भी लड़की हुई तो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब गीता के ससुराल के कोई गुरुजी ने कहा कि इस बार लड़का ही होगा, तब दूसरे बच्चे को वह लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तब भी यह सुनकर मुझे लगा था कि क्या हो गया है समाज के लोगों को। अगर समाज के पढ़े लिखे लोग पुत्र मोह पाश से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो चाहे सरकार जितना भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला ले, कुछ नहीं होने वाला। बात तो यहाँ सोच में बदलाव लाने की है। अगर ये बदलाव शिक्षा भी नहीं ला पा रही, तो न जाने ये कैसे होगा। ये सिर्फ नैना या गीता की कहानी नहीं है, देश के मेट्रो शहर से गांव तक यही हालत है। बस कहीं स्थिति थोड़ी बेहतर है तो कहीं बहुत ही खराब। मैं मन ही मन दो पंक्तियां अपनी लिखी हुई याद करने लगी। मेरी मानो, बच्चे की राह तको केवल बेटे की चाह नहीं, लड़की खुशी है कोई आह नहीं, लड़का लड़की दोनों फूल है एक बाग के, गर्भ में ही ना खत्म करो लड़की को अपने हाथ से, बेटी को भी मौका माहौल और प्यार दो, उसे भी जीने का अधिकार दो। रजनी की तंद्रा तब भंग हुई जब चाय में उबाल आ गया। उसने दो कप में चाय निकाला और जाकर नैना के साथ बैठ गई।